दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। दोस्तों अगर आप वीकेंड का वार एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हम आपको बता दें कि यहाँ वीकेंड के वार पर आपको मुनव्वर और मनारा इन दोनों के बीच में आपस में गहमा गहमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ जो वाक्या है वो काफी लंबा है। तो पूरे वाक्या की बात करें तो यहाँ वाक्यात में देखने को मिलता है कि करण जौहर जो है यहाँ बैशिंग करते हुए नजर आने वाले हैं अंकिता लोखंडे की। वो जो है ये कहने वाले हैं कि अगर अंकिता आपको लगता है कि मुनव्वर की प्रायोरिटी मनारा ही है तो आप जो है इस रिश्ते में ज़बरदस्ती क्यों घुस रही हैं। इसके बाद में यहाँ अंकिता उन्हें जवाब भी देती हुई नज़र आती है, लेकिन इसी वाक्य में यहाँ देखने को मिलता है कि मनारा जो है बीच में बोलती है और वो जो है यहाँ क्योंकि उनको लग रहा होता है कि करण जौहर उनका साइड ले रहे हैं तो वो जो है कुछ भी कह सकती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ उनकी अनमेच्योरिटी देखने को मिलती है। इसमें वो जो है कहती है कि सर ये तो पहले दिन से वही कर रही है, इसे तो पहले दिन से ही मनारा वर्सेस लोखंडे ही चाहिए था और मैंने ये पहले ही दिन मैं नोटिस कर लिया था, लेकिन मैं इसे भाव नहीं दे रही थी। अब मुनव्वर जब मेरा दोस्त है तो इसे यहाँ उससे दोस्ती करनी है। इसने तो यहाँ पहले अपने अलग रिश्ते बनाए थे जैसे कि अभिषेक और ईशा, अब इनके खुद के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं तो ये जो है मेरे रिश्तों में घुसने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है और इसका यही काम है। तो इस पर हम आपको बता दें कि यहाँ करण जौहर तो भड़के ही हैं। उन्होंने कहा है कि मनारा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ अंकिता से बात करनी है, मुझे अंकिता से बात कर लेने दीजिए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ हालांकि करण जौहर को सपोर्ट मिलता है तो करण जौहर उतना भड़कते नहीं है मनारा पर, वो जो है यहाँ उनसे प्यार से ही ये बातें कहते हैं, लेकिन यहाँ भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मनारा तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कब लाइन क्रॉस कर जाती हो। जब उस इंसान को यहाँ होस्ट द्वारा कुछ कहा जा रहा है तो तुम्हारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ तुम्हारी कहीं ना कहीं इनोसेंसी के चलते लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं या फिर तुम्हारे इन मुद्दों को भुलाने की कोशिश करते हैं। आप एक के बाद एक ऐसे मुद्दे मत दीजिए कि आप पर ही ये बारी पड़ने लगे, क्योंकि आपका इसमें बोलने का कोई तथ्य निकल नहीं रहा था। जब करण जौहर खुद उसे सुना रहे थे, खुद तुम्हारा ही साइड ले रहे थे, तो इसमें बीच में बोलने की जरूरत शायद मुझे लगता है कि आपको थी नहीं। इस पर यहाँ मनारा भी कहती है कि आप जो है सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ऐसे सबके सामने मत टोका करिए, मैंने आपको कई बार बोल दिया है। तो यहाँ मुनव्वर और मनारा के बीच में आपस में ही इसी वाक्यात पर यहाँ आपको गहमा गहमी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों इस गहमा गहमी में आप किसका साथ देने वाले हैं? आप यहाँ मनारा को सही मान रहे हैं या फिर मुनव्वर को सही मान रहे हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दें। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दें, और बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरें ऐसे ही सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।